दोस्तों, भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अभी कुछ ही दिनों पहले भारत की नेवी के अंदर शामिल हुआ है और इसके साथ साथ भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी प्लानिंग स्टेज के अंदर है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या भारत को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सच में चाहिए, और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि अभी के समय चाइना के पास कुल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आने वाले सालों के अंदर बढ़कर 10 तक हो सकते हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन नेवी के पास चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो होने ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के सख्त खिलाफ थे और इसके कारण भी थे। उनका मानना था कि चाइना के पास आज के समय DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल अवेलेबल है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म कर सकती है। और इसके साथ साथ उनका यह भी मानना था कि भारत को अपने लिमिटेड डिफेंस बजट को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने के अंदर बहुत ही खर्चा आता है और इसके साथ साथ उसे मेंटेन करना भी बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए जनरल बिपिन रावत का ही मानना था कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह न्यूक्लियर सबमरीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनका ही पॉइंट कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।